नमस्कार प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगती है या फिर हमारे वीडियोस में कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। आइए सुनते हैं लेखिका शिवानी की कहानी लाटी। प्रभा और मेजर की दृष्टि एक साथ ही लाटी पर पड़ी। कुत्सित बूढ़ी अधेड़ वैष्णवियों के बीच देवांगना सी सुंदरी लाटी अपनी दाढ़ी सी दंत पंक्ति दिखाकर हंस रही थी। मेजर का शरीर सुन्न पड़ गया। स्वस्थ होकर जैसे साक्षात बानो ही बैठी थी। गालों पर स्वास्थ्य की लालिमा थी, कान तक फैली आंखों में वही तरल स्निग्धता थी और गूंगी जीवा का गूंगापन चेहरे पर फैलकर उसे और भी भोला बना रहा था। हाय, क्या यह गूंगी है? माय गॉड, हॉट ब्यूटी, प्रभा बोली। हाँ सरकार, यह लाटी है, दुकानदार ने कहा और मेजर के दिल पर आ गिरी भारी पत्थर की चट्टान उठ गई। क्या नाम है इसका? प्रभा मुग्ध होकर लाटी को ही देख रही थी। नाम जो होगा वह तो बह गया मीम साहब, अब तो लाटी ही इसका नाम है, हेड वैष्णवी ने कहा। हमारे गुरु महाराज को इसकी देह नदी में तैरती मिली, जीभड़ी इसकी कटकर कहीं गिर गई थी। राम जाने कौन था वह, गले में चरेओ अर्थात मंगल सूत्र था। ब्याह हो गया होगा, फिर हमारा गुरु महाराज इसको गुरु मंत्र दिया। भयंकर 6 रोग था, एक एक शेर खून उगलता था, पर गुरु का शरण में आया तो सब रोग शोक ठीक हो गया इसका। लाटी जीभ दिखा। धूं धूं कर लाटी ने भुवन मोहिनी हंसी हंसी जीभ नहीं दिखाई। कुछ नहीं समझती साली, बस खाती है 2.5 से, सब भूल गया, हमारा आर्डर भी नहीं मानता, असंतुष्ट स्वर में मर्दानी वैष्णवी बोली। ओ माय गॉड, अपने आदमी को भी भूल गई क्या? प्रभा बोली। जो था सो था, इसको कुछ याद नहीं, खाली फेंक फेंक कर हंसती है हरामी। अब प्रभु इसका मालिक और प्रभु इसका सहारा है। हाँ गुरु, कितना पैसा हुआ? हेड वैष्णवी ने पैसे चुकाए और उसका दल अगोचर अलग बजाता उठ खड़ा हुआ। लाटी बैठी ही रही, मेजर एटक उसे देख रहा था। ये वही बानो थी जिसे डॉक्टर दलाल और कक्कड़ जैसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों की मृत्युंजय औषधियां भी स्वस्थ नहीं कर सकी थी। उठ साली लाटी, हेड वैष्णवी ने हल्की सी ठोकर से लाटी को उठाया। एक बार फिर अपनी मधुर हंसी से मेजर का हृदय बींद कर लाटी उठी और दल के पीछे पीछे चल दी। काश उसके भोले चेहरे से घास हटाकर मेजर कह सकता, मेरी बानो बन्नी बन्नू। शायद उसकी गूंगी जुबान के नीचे दबी उसकी गूंगी पिछली जिंदगी बोल उठती। पर मेजर जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल आया था, पीछे लौटकर बिछड़े को लाना सबसे बड़ी मूर्खता होती। 2 जवान बेटे और बेटी, राष्ट्रपति के सब भोजों में चमकती उसकी शानदार दूसरी बीवी, गरीब गूंगी लाटी का आना कैसे सह सकते। उठो डार्लिंग, लंच गर्म पानी में करेंगे, प्रभा ने कहा और मेजर उठ खड़ा हुआ। कुछ ही पलों में वह बूढ़ा और खोखला हो गया था। बानो मर गई थी, अब तो वह लाटी थी, प्रभु अब उसका मालिक और प्रभु ही उसका सहारा था। लाटी लेखिका शिवानी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक रचना है। इस कहानी को लेकर अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।